आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले एक स्पेशल डिश ओहे श्रीखंड, एक खास करके गुजरात और महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है। वो एक खास करके त्योहारों में बनाई जाती है। तो ये घर पे कैसे बनाते हैं वो भी आसान तरीके से, तो चलो इसको बनाना भी शुरू करते हैं। तो श्रीखंड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 कप फ्रेश दही, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच दूध, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच बादाम और पिस्ते की कतरन, 1 इंच केसर। तो अभी हम सबसे पहले दूध लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 इंच केसर, इससे हमारे श्रीखंड को अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें श्रीखंड बनाने के लिए दही और गाढ़ा चाहिए, मतलब हमें इसका चक्का बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बाउल के ऊपर छन्नी को रख दिया है। अब हम इसके अंदर एक मलमल का कपड़ा डाल लेते हैं। इसके बाद अभी हम कपड़े को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको अच्छे से गठन बांध लेते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा का पानी है वो सारा नीचे निकल जाए। और अभी हम इसे 2-3 घंटे ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा का पानी है सारा नीचे निकल जाए और दही अच्छे से गाढ़ा बन पाए। 3 घंटे हो चुके हैं, दही का जो एक्स्ट्रा का पानी है सारा हट चुका है। अब हम फिर से इसको एक बार निचोड़ लेते हैं, ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी पानी बच चुका है और सारा हट जाए। अभी आप देख रहे हैं दही में और भी पानी था, अब हम इसको हटा देते हैं। अभी हम फिर से वही बाउल लेंगे और उसमें हम दही को निकाल लेते हैं। मैंने अभी दही को बाउल में निकाल लिया। आप देख रहे हैं दही कितना गाढ़ा लग रहा है ना, इसको चक्का भी बोलते हैं। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और इसे जब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से फ्लफी ना बन जाए। मैंने अभी इसको 3-4 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। आप देख रहे हैं दही कितना फ्लफी बन चुका है ना। अब हम डालेंगे इसमें पीसी हुई चीनी और इसको भी अभी हम अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से 2-3 मिनट फेंट लेते हैं। अब मैंने चीनी को मिक्स करते हुए 2-3 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इससे श्रीखंड को अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध, इससे श्रीखंड को अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं श्रीखंड को कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है ना केसर का। तो अब श्रीखंड तैयार है, तो हम अभी इसको बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसे बादाम और पिस्ते से अच्छे से गार्निश कर देते हैं। वाओ सुपर। तो लीजिए अब हमारा श्रीखंड तैयार है। वाकई दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ना, तो खाने में उतना ही टेस्टी होगा। आप इसको फ्रिज में 2 घंटे रख के इसको चिल ही सर्व करना है, क्योंकि ये खाने में तभी मज़ा आता है। तो कैसी लगी आपको श्रीखंड की रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।